इस सम्मेलन में मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के सम्माननीय कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी, मंच पर उपस्थित नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सम्माननीय अशोक दलवई जी, मंच पर उपस्थित सम्माननीय संजय कौल जी, मंच पर उपस्थित सीनियर डायरेक्टर ग्लोबल स्ट्रेटजिक यूएस जीसी, मंच पर उपस्थित सम्माननीय दिलीप चौधरी जी, इस सभागार में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से उपस्थित सभी प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो फिक्की और उसके सहयोगी संगठन को बधाई देता हूँ कि आपने भारत के मक्का शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण का आयोजन किया है। इसके लिए मैं हृदय से आपको बधाई देता हूँ। हम सबको पता है कि मक्का की खेती लगभग 160 देशों के तकरीबन 150 मिलियन हेक्टेयर में की जाती है। अमेरिका विश्व में मक्का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है। हमारे देश में जो उत्पादकता है वो निश्चित रूप से कम है, वो प्रति हेक्टेयर 2.43 टन है। और जो खाद्यान्न संबंधी मांग है और जो उपभोक्ताओं की पसंद है, यदि वैश्विक परिदृश्य को देखें तो पता चलता है कि मक्का अनेक देशों और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में, विकासशील देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। चावल और गेहूं के बाद मक्का सबसे ज़्यादा भारतीय लोगों के बीच महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में आधे से अधिक मक्का का उत्पादन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में होता है। बिहार ने भी 15-16 में मक्का के उत्पादन में कृषि कर्मणा अवार्ड मिला है। बिहार भी तेजी से उस रास्ते पर बढ़ रहा है। बिहार के माननीय मंत्री जी को मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। इस समय हम विश्व में 5वें बड़े निर्यातक देश हैं मक्का के, और इस समय खाद्य फसल के रूप में मक्का का उपयोग अभी 25% लोगों तक सीमित है और संकर जाति की मक्का की खेती का क्षेत्र पर्याप्त रूप से बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप कम कीमत पर लोगों को पोषक आहार प्राप्त हो रहा है। ये मक्का विजन 2022 एक ज्ञान रिपोर्ट के साथ आने के लिए मैं निश्चित रूप से आपको बधाई दूंगा, चूँकि किसानों की आमदनी 2022 तक दुगुनी हो, इस दिशा में आप बढ़ रहे हैं और इसके लिए निश्चित रूप से मैं सरकार की ओर से आभार प्रकट करना चाहूँगा। और इस एक दिवसीय शिखर सम्मेलन में कुक्कुट और स्टार्च उद्योग की उपस्थिति जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ये संकेत है इस बात का कि मक्का की मांग देश में बढ़ रही है। ये जो इस उद्योग में लगे हुए हैं, ये जो मार्केट है उसकी स्थिति जो देश में है कैसी है ये बताने की ज़रूरत नहीं। मार्केट व्यवस्थित हो ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी आसानी से ये मिल जाए और किसान को भी अच्छा दाम मिले। ये 2003-04 में देश भर के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी कि मार्केटिंग की ऐसी व्यवस्था हो कि किसान को भी ठीक दाम मिले और इंटरप्रेन्योर्स, उपभोक्ता सबको आसानी से उपलब्ध हो। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब 14-15 में हमारी सरकार आई तो 3-4 में देश के सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी और एक छोटी कमेटी बनाई गई थी।
और उसमें तय हुआ था कि 7 प्रकार के परिवर्तन किए जाएंगे नियमों में, और ग्रामीण हाट जो देश में हैं उनको भी स्ट्रेंथ किया जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2004 से और 15 के पहले अप्रैल 2010 में एक बैठक हुई थी, बाकी हमारे मंत्रालय की जो आलमीरा है उसकी शोभा वो रिपोर्ट जरूर बढ़ा रहा था। अब 585 मार्केट 22 राज्यों ने नियमों में परिवर्तन करके ई मार्केटिंग बनाने की तैयारी लगभग अंतिम चरण में है उनकी, और इस बार बजट में 22,000 ग्रामीण हाटों को भी सुदृढ़ करने के लिए प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से मक्का उद्योग में लगे हुए उपभोक्ताओं और किसानों के लिए ये बहुत मददगार सिद्ध होने वाला है। हमारा दुर्भाग्य जरूर रहा कि हम 10 वर्ष पीछे चले गए, 10 वर्ष पहले यदि क्रियान्वित हो गया रहता तो आज हमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से आप देखेंगे कि मक्का की खेती रेनफेड एरिया पर आधारित, 15% मक्का की खेती के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, मात्र 15%। अब आप कल्पना करिए कि ऐसा क्यों। ठीक है, आजादी के 70 वर्ष में हर हाथ को काम नहीं मिला, इन हर खेत को पानी, और हर हाथ को काम भी मिलेगा कब, जब हर खेत को पानी मिलेगा। अपना देश बहुत बड़ा देश है, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो मेरे चंपारण की आबादी है ना, हम इटली गए हैं वहाँ की आबादी और मेरे चंपारण की आबादी बराबर है। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी मिलने से होगा, और मक्का की खेती, इसकी उत्पादकता, इसका उत्पादन, और इसके लिए भी सिंचाई कितनी जरूरत है। यह भी एक चिंता का विषय है कि जिस देश में 99 परियोजनाएं, मध्यम और बड़ी परियोजनाएं, जिससे 76 लाख हेक्टेयर की खेती हो सकती है, 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, और 20 वर्ष से 22 वर्ष से 25 वर्ष से वो लंबित पड़ा हुआ, आज हम सीना तान कर कह सकते हैं कि 3 वर्ष के अंदर जो 3 वर्ष उसका पूरा हुआ उसमें 40,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी गई, और पर्याप्त राशि की अब व्यवस्था कर दी गई है। कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी और 19 मार्च आते आते ये 99 परियोजनाएं पूरी होगी, तो निश्चित रूप से ये जो रेनफेड एरिया पर आधारित हमारा मक्का की खेती है इससे हमें बड़ी मुक्ति मिलेगी। लेकिन पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि बजटीय प्रावधान तो बढ़ा ही है लगातार, एरिया भी बढ़ा है, काफ़ी एरिया बढ़ा है, और अलग से पिछले बजट में 5,000 करोड़ रुपये का एक कॉर्पस फंड नाबार्ड के माध्यम से बनाया गया, जिसका लाभ अब हर राज्य उठा रहा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये माइक्रो इरिगेशन का जो एरिया है तेजी से बढ़ेगा, और मक्का उत्पादन में भी इससे काफ़ी सहयोग मिलेगा। ये हमारा जो एक योजना है NFSM, अब NFSM जो योजना है इस योजना के तहत भी 28 राज्यों के 265 जिलों में मक्का की खेती के लिए हम विशेष रूप से मदद कर रहे हैं। ये योजना पहले भी थी लेकिन 14 राज्यों के 150-200 जिलों में चल रहा है, हमारी सरकार आते 28 राज्यों के 265 जिलों के अंदर हमारी ये योजना शुरू हो गई है, और जो पर्वतीय राज्य हैं उसमें हम 90 रुपया लगाते हैं, 10 रुपया राज्य सरकार लगाती है,
और जो बाकी के राज्य हैं 60% भारत सरकार और 40% राज्य सरकार देती है। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत भी पिछले 3-4 वर्षों में इसमें काफ़ी तेजी आई है। अब ये जो अनुसंधान है, आखिर अमेरिका की उत्पादकता और हमारी उत्पादकता देखेंगे, यदि सर पर टोपी है तो नीचे गिर जाएगा। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, खेत को पानी, अच्छा मार्केटिंग, ये सब जब 10 साल पहले चिंता की गई होती तो आज संपूर्ण परिणाम का प्रगटीकरण होता। लेकिन हम 2-3 वर्षों से यदि कर रहे हैं तो स्वाभाविक है 2-3 वर्षों में संपूर्ण परिणाम का प्रगटीकरण नहीं हुआ। और जो देखने वाले लोग हैं उनको ही तो दिखाई तब देगा ना जब संपूर्ण प्रगटीकरण होगा। लेकिन जो प्रगटीकरण हो रहा है पिछले 2-3 वर्ष में, यदि इनोसेंट भाव से उसको देखेंगे तो बहुत साफ दिखाई देगा कि जो हम 70 साल में जिस काम को नहीं कर पाए थे, पिछले 3 वर्षों के अंदर हमने उसकी शुरुआत की है और उसके परिणाम भी आने लगे। अनुसंधान के क्षेत्र में भी हम बताना चाहेंगे आपको कि हमारा जो मक्का अनुसंधान का एक अखिल भारतीय मक्का अनुसंधान जो केंद्र है, तो उसके 3 और संस्थान हैं और 65 केंद्र मक्का अनुसंधान पर काम कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट के 65 केंद्रों में से 34 पर तो नियमित और 31 पर स्वैच्छिक केंद्र है जो देश के 22 राज्यों में फैले हुए हैं। इस संस्थान एवं प्रोजेक्ट द्वारा मक्का की कुल 280 से ज़्यादा उन्नत किस्मों का विकास किया गया है। इसमें 146 संकर मक्का की किस्में हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए संस्थान द्वारा विशेष प्रकार की मक्का की किस्मों एवं उत्पादन तकनीकों पर भी विशेष जोर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्तम प्रोटीन युक्त मक्का, जिसे QPM कहते हैं, कि 19 किस्मों का विकास हुआ है। मिट्टी मक्का, स्वीट कॉर्न की 5, बेबी कॉर्न की 4 और पॉप कॉर्न की 6 किस्मों का विकास इस 4 साल के अंदर किया गया है। ये यांत्रिकीकरण मेकानिज्म है, उसमें भी आप देखेंगे तो 2 बरस के अंदर, पिछले वर्ष मेरा 300 करोड़ का था तो इस बार 600 करोड़ का है। ये 10-15 साल में जितना बजट इसमें लगाया होगा, 2 बरस के अंदर 17-18, 18-19 का बजट देखेंगे, ताकि किसानों को भी मक्का की खेती में लागत कम हो। और भी फसलों के लिए उसका उपयोग है, लेकिन मुख्य रूप से मक्का उत्पादक किसानों के लिए ये बड़ी सुविधा है। अब जहाँ तक MSP का सवाल है, अब जहाँ तक वैरायटी का सवाल है, मैं एक विनती जरूर करना चाहूँगा। बिहार के माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, ये जो मक्का जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके भी असर होते हैं। बिहार के कई हिस्सों में दाने नहीं हैं। बीज कंपनी, राज्य सरकारें और किसान, रिपोर्ट आ रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ। लेकिन मेरी विनती यह है कि आखिर जो एक्सटेंशन है, सरकार कर रही है, लेकिन जलवायु परिवर्तन जिस तेजी से हो रहा है तो एक्सटेंशन की गति को भी तेज करना होगा। और जो कंपनियां हैं उनको भी इस दिशा में, फील्ड एक्सटेंशन में अपने बजटीय व्यवस्था को बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारी विनती है बार बार बीज बनाने वाले कंपनियों से, मैं नहीं तो यदि सरकार एक्सटेंशन को बदलते हुए जलवायु परिवर्तन की गति को देखते हुए उसी गति से एक्सटेंशन नहीं किया और कंपनियां भी नहीं इस काम में लगी, तो दोनों के भविष्य देखिए। ये 4 वर्षों के अंदर यदि देश के अंदर जो सबसे बड़ा काम हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण किसानों में जागृति आई है। पहले तो किसान को पता भी नहीं था, कृषि मंत्रालय क्या है पता नहीं है, योजना क्या है पता नहीं, लेकिन अब गांव में बैठा हुआ किसान
मन की बात सुनता है, वो सड़क पर आता है, सारी बातों को जान रहा है, 70 वर्ष तक उसको उलझाए रखे, अब कितनों कर्तव्य कोई करेगा, किसान को उलझा के नहीं रहेगा, वो अपने पथ पर आगे बढ़ रहा है। हमें पूरी क्षमता का प्रगटीकरण करना होगा उनके हितों के लिए, जो भी करना होगा करना पड़ेगा। इस समर्थन मूल्य की बातें चलती है, जो समर्थन मूल्य घोषित होते थे क्या किसान को मिलता था? टेलीविजन पर आप खबरें देखते होंगे, मैं तो गांव में रहता हूं, गांव से दिल्ली आता हूं और विभिन्न राज्यों के रूरल इलाके में भी जाता हूं। अब जो एक तो कई ऐसे जींस हैं जिसका लागत का 50% ही नहीं, और जिसका है वो भी नहीं मिलता है। अब ये मक्का का समर्थन मूल्य 1440 रुपया है शायद, ये लागत से 50% ही ज़्यादा नहीं है। ये मुश्किल से, जहाँ मेरा आइडिया है कि ये जो लागत मूल्य है ये मुश्किल से 37%, लेकिन इस पर भी खरीद नहीं होती। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि आपने कहा था, हम कहे थे, और कहे थे खरीदारी तेज किया, समर्थन मूल्य कुछ जिंसों का तो 50% से ज़्यादा है, कुछ का कम है, ये पहले भी कुछ जिंसों का 50% से ज़्यादा था, नहीं खरीदारी नहीं होती थी। हम सरकार में आए थे तो 4 वर्ष के अंदर 8 लाख मीट्रिक टन की खरीदारी हुई थी कुल में, और हम अभी 12 मार्च का मेरे पास आंकड़ा है, 56 लाख टन खरीदने का हमने आदेश जारी किया है, जिसमें 12 मार्च तक 36 लाख मीट्रिक टन की खरीदारी हो चुकी है। लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है, ये बात सही है, खजाने पर बोझ पड़ता है, लेकिन खजाने की चिंता हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं की। तो ये जो समर्थन मूल्य जिसका ज़्यादा है 50%, वो भी किसान को नहीं मिलना, और कई जींस का 50% से कम है उसकी भी खरीद नहीं होना। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, उनके बनने के बाद खरीदारी तेज हुई, ये आंकड़े बोल रहे हैं, लेकिन राज खजाने पर बोझ के कारण जितनी भी सरकारें आई इसको अवॉइड किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इसको करना पड़ेगा, जिनका 50% से ज़्यादा नहीं खरीद हो रही है उसको भी खरीदना, और जिसका 50% से कम है उसको भी 50% करना और उसकी खरीदारी सुनिश्चित करना। जब भी समर्थन मूल्य से मार्केट रेट नीचे आए तो वो अंतर किसान को कैसे मिले, ये राज्य सरकार के माध्यम से हम करते हैं, नीति आयोग को निर्देशित हुआ और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसके कारण राज खजाने पर चाहे जितना बोझ पड़े, आखिर राज खजाने पर पहला अधिकार किसका है? देश के किसानों का है, मजदूरों का है। और अभी हमने 18-19 के लिए जो मिलिंग कोपरा है जिसका लागत से 40% था, 6500 रुपये था, उसको बढ़ा के 7500 रुपये किया है, 50% किया है, ताकि 19 में जब खरीदारी हो तो 50% से कम ना हो। मक्का का भी कम है, खरीफ फसल आने के पहले जिसका भी कम है, उस जिसका भी 50% से कम है उसको 50% करेंगे, और कल तक लगातार नीति आयोग सभी राज्यों के साथ बैठकर कुछ रूपरेखा तैयार किया है, और निश्चित रूप से हम ये राज्यों से बातचीत करके सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब भी समर्थन मूल्य से बाजार नीचे आवे तो उतना पैसा किसान को कैसे मिले, इसके 2-3 प्रकार के सुझाव दिए गए हैं और शीघ्र ये निर्णय होने वाला है। कुल मिला जुलाकर किसान और उपभोक्ता और जो इंटरप्रेन्योर सबका भला हो, इस दृष्टि से यदि नीतियां नहीं बनेगी, इस प्रकार के सोच नहीं निर्माण होंगे,
तो फिर भारी संकट होगा। संकट हुआ है और संकट है। ये जो हमने 70 वर्ष कर्तव्य दिखाए हैं और उस कर्तव्य में बदलाव की शुरुआत हो गई है, उस बदलाव के साथ हम सबको समझौता करना पड़ेगा। और मक्का धान गेहूं के बाद सबसे प्रमुख फसल है और निश्चित रूप से इसका उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले, उपभोक्ता को ठीक दाम पर मिले, जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी समय पर ढंग से उपलब्ध हो जाए और किसान की आमदनी बढ़े। हम सब इसमें किसान कितने हैं पता नहीं, लेकिन हम सब जो बैठे हैं सबका लक्ष्य है 22 तक, जो अभी बुक आपने रिलीज कराया उसमें 2022 आमदनी दुगुना करना। आमदनी किसका दुगुना करना? अपना की किसान का? अपना भी चिंता करना है। देश में एक प्रकृति बनी है कि मन से हम उसी काम को करते हैं जिसमें हमको क्या मिलने वाला है, ना मिलने वाला है तो उसे मन नहीं लगाते हैं। लेकिन देश की सत्ता का जो मौसम है, उसका जो मिजाज है, उसका थोड़ा बदलाव हुआ है। उस बदलाव के साथ समझौता करते हुए ये अच्छी बात है कि आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, किसानों की आमदनी कैसे दुगुना। तो एक तरफ सरकार जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, वर्षों से विचारशील जो योजनाएं पड़ी थी, अलमीरा में कैदी बनी थी, उसको बाहर निकाला है, वो खेत तक किसान तक हम पहुंचा रहे हैं। और दूसरी बार आप सब बैठेंगे, दिन भर बैठेंगे, हमारे अधिकारी जो न सिर्फ रेनफेड एरिया डेवलपमेंट के चीफ सीईओ हैं बल्कि आय दुगुनी करने वाली कमेटी के भी आप अध्यक्षता कर रहे थे, आपने रिपोर्ट दी है, दिन भर चर्चा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मिलकर किसानों की आमदनी कैसे दुगुना होगी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ दिन भर इसका चिंतन करेंगे। ये बैठक मक्का उत्पादक किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगा, इसी उम्मीद के साथ और आयोजक को बधाई देते हुए। बधाई इसलिए कि आपने मुझे बुलाया, क्वेश्चन आवर आज है, फिर भी आप इतना लगे मेरे पीछे कि मैं यहाँ आया। इसमें ज़्यादा, हमसे ज़्यादा आपका कर्तव्य है। और इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ ज़्यादा, कि आप नहीं लगते, मैं नहीं आता तो इतने सारे लोगों के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होता। आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए, मेरी इच्छा अंत तक रहने की थी लेकिन मजबूरी के कारण, आपको बधाई देते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, आपसे पूरी उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।